हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे होंगे। मैं रणवीर कपूर एंड आलिया भट्ट स्टारर मूवी ब्रह्मास्त्र। एंड देखो यार, ये जो मूवी है ना, इसको पब्लिक का बहुत सपोर्ट चाहिए, बहुत सपोर्ट। एंड हमारी आलिया दीदी है जो लोगों को बोलती है भाई हमारी मूवी देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। अभी देखो, ये स्टेटमेंट आप तब दे सकते हो जब आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि यार हमारी मूवी एटलीस्ट हिट हो जाएगी। अब आपकी मूवी का बजट 300 करोड़ है, अगर आप ऐसा स्टेटमेंट आप दोगे तो भाई, वैसे आप नेपोटिज्म में से आए हो तो पब्लिक और बायकॉट कर देगी भाई, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। एनीवेज, इसके एडवांस बुकिंग के बारे में बात करेंगे, इसके बजट के बारे में बात करेंगे, इसको कितना करना पड़ेगा हिट होने के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ये दीदी का जो स्टेटमेंट है, इसके ऊपर एक और रोस्ट वीडियो है ना ऑलरेडी अपने चिपका दिया है, तो प्लीज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ना उस वीडियो को भी इंजॉय करें, उस चैनल को भी सपोर्ट करें। एनीवेज, ब्रह्मास्त्र के बारे में बात करें, देखो ब्रह्मास्त्र का एडवांस बुकिंग कब स्टार्ट होगा इसके बारे में बात करेंगे, इसको फर्स्ट डे कितना कलेक्शन लाना पड़ेगा, इसको टोटल कितना कमाना पड़ेगा इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले तो इस मूवी का बजट ही 300 करोड़ है, बजट 300 करोड़ प्लस ये प्रमोशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखो यार, 300 करोड़ तो हम पिछले 4-5 महीने पहले से सुनते आ रहे हैं, एंड अभी तो इस मूवी का बजट आराम से प्रमोशन करेंगे सब करेंगे ना, तो 350 करोड़ इस मूवी का बजट है। 300 करोड़ तो सिर्फ बोलना होता है, ठीक है? तो इस मूवी का बजट आप 350 करोड़ पकड़ के चलो, फिर हम 300 करोड़ पकड़ते हैं, चलो तो इस मूवी का बजट है 300 करोड़ रुपए। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो भाई, इसको देखो सबसे पहले तो एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी 1st ऑफ सितंबर के बाद इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, 1st ऑफ सितंबर या फिर 2nd सितंबर तक इस मूवी का जो एडवांस बुकिंग वो स्टार्ट हो जाएगा इंडिया के अंदर, ठीक है? अब इस मूवी का बजट 300 करोड़ है भाई, इस मूवी को ना 400 से 450 करोड़ कमाना पड़ेगा हिंदी के अंदर, मेरा मतलब है इंडिया के अंदर। ये पॉसिबल आज के टाइम पे है, क्योंकि भाई आमिर खान हो गया, उसके बाद हमने सलमान खान की अंतिम देखा है, बहुत सारी मूवीज देखा है भाई, 100 करोड़ टच नहीं हो रहा है। मतलब यार, ये जो मूवी जिस तरीके के, आई होप इसको सपोर्ट मिलेगा और इसको 400 साढ़े 400 करोड़ कमाना पड़ेगा, जो कि भाई पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, बट आज के टाइम के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल लगता है। एनीवेज, अब इसके एडवांस बुकिंग की बात करें, देखो एडवांस बुकिंग तो 1st ऑफ सितंबर के बाद स्टार्ट हो जाएगी, बट इसको है ना पहले दिन ना इस मूवी को कलेक्शन लाना पड़ेगा 30 करोड़ से भी ज्यादा, मतलब कम से कम 30 करोड़ पहले दिन, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया में इसको हिट होने के लिए। एंड यार, मैं दिल से चाहता हूँ इतना हो, एंड ये मूवी का जो बजट है, एंड ये मूवी को जिस तरीके से बनाया है, मेरे को मेकर्स के ऊपर फुल ट्रस्ट है एंड भरोसा है मेरे को कि ये मूवी चलेगी। बट एक्चुअली देखो यार, इस मूवी का बजट जिस तरीके से है, ये मूवी को जिस तरीके से लोग ले रहे, तो आपको और पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए। आप कैमरे के ऊपर आके इस तरीके से लोगों को नेगेटिव करोगे कि हमारी मूवी देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, तो भाई आपको तो इतना लॉस होगा ना, आप इसका सोच भी नहीं सकते। मजाक नहीं कर रहा, पाकिस्तान जाना पड़ेगा कटोरा लेके भीख मांगने के लिए, मेरा मतलब है, समझा करो। मतलब आलिया भट्ट इस तरह से स्टेटमेंट देगी तो किस तरह से चलेगा? अब देखो, मूवी का बजट 300 करोड़, इसको 400 करोड़ इंडिया से कमाना है, किस तरीके से पॉसिबल होगा? पॉसिबल तभी होगा कि ऑडियंस भर भर के इस मूवी को देखने के लिए जाएगी। सुबह 7 बजे के शो, 6 बजे के शो ओपन होंगे, जब जाके भाई इस मूवी को सपोर्ट मिलेगा, पूरी तरीके से हाउसफुल होगा, KGF चैप्टर 2 की तरह रिस्पॉन्स मिलेगा ना, तब जाके आपकी मूवी का, ये मूवी को हिट टैग मिलेगा। क्योंकि 450 करोड़ हिंदी में KGF चैप्टर 2 का कलेक्शन था आई थिंक, एंड 450 करोड़ KGF चैप्टर 2 ने हिंदी में इतने क्रेज होने के बाद कमाए थे, तो उस मूवी का तो बाप लेवल का क्रेज था, तब जाके उसने 450 करोड़ कमाया। आपको 450 करोड़ कमाने के लिए आपको पहले मूवी लोगों को अच्छा लगना पड़ेगा, उसके बाद इसका क्रेज बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को पॉजिटिविटी दिखाना पड़ेगा, तो KGF चैप्टर 2 के बराबर आप खड़े हो पाओगे भाई। मुश्किल लग रहा है मेरे को, क्योंकि KGF चैप्टर 2 450 करोड़ कमाती है हिंदी में, तो ब्रह्मास्त्र वहां तक पहुंच पाएगी? तो आपको ऐसे बेकार के बयान दे रहे बंद करने पड़ेंगे। बाकी आप लोग बताओ, पहले दिन इसको कितना कलेक्शन आ सकता है इसका? 30 करोड़ से ज्यादा आ पाएगा? एंड एडवांस बुकिंग जब स्टार्ट होगी तब तो पता चलेगा कि क्या हाल होता है। इसको पहले दिन कम से कम 10 करोड़ का तो एडवांस बुकिंग करना पड़ेगा भाई, मेरे को इस मूवी के कसम से बोल रहा हूँ, तारे थोड़े से गर्दिश में लग रहे हैं क्योंकि आलिया भट्ट की ये स्पीच के ऊपर, एंड ये जिस तरीके से माहौल ये लोग बना रहे ना, क्योंकि हमने करीना कपूर को देखा था, अब ये मैडम भी आ गई, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू।